अब जाए ठीक है ना, अब उन लोगों में भी तेरे अच्छा है। बातचीत मत करो, क्या सिखाए थे क्लास में? बातचीत करना ना ना तो सजा तो मिलेगा। अच्छा पता है मास्टर बहुत तुमसे नाराज होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, पता है बात? पर वो असली नाराज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जब मन तब नाराज हो गया। नाराज हो जाओगे ना असली, तुम भी देखना तुम्हारा बहुत छोटा है, तुम किसी चीज से बहुत नाराज हो जाएगा ना, किसी भी चीज से, असली वाला मतलब, नकली नहीं, ऐसे कि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए हम नाराज हो गए प्राइम मिनिस्टर से, क्या तो प्राइम मिनिस्टर हट जाएगा, वैसा नहीं। तो असली में तुम नाराज हो ना प्राइम मिनिस्टर से, एक बहुत गड़बड़ प्राइम मिनिस्टर है, बहुत गड़बड़, कुछ दिन में हार जाएगा चुनाव, जानते तुम लोग क्या असली होना चाहिए। मतलब पहले सुनता था ऋषि मुनि लोग श्राप देते थे, तो ऋषि मुनि लोग सबका श्राप नहीं काम आता, ऋषि मुनि का श्राप काम हो जाता था, क्यों क्या करते थे ना कि श्राप ऐसे नहीं देते थे, उनको लगता था कि यह श्राप देना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब बर्बाद कर देगा, श्रापित कर देते थे। तो नेचर का एक फोर्स रहता है ना, वो कोई असली बात कोई बोल दिया ना तो सब जगह ट्रू रहता है, समझ रहे हैं? हम तो देखते हैं ना जो बच्चा बदमाशी किया, तो बच्चा बदमाशी किया तो अब हमको उतना ज्यादा क्रोध नहीं आता है कि उसने बदमाशी किया, जब उसका हम हिस्ट्री खंगालते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या रहा होगा, और फिर जब खंगालते हैं तो सब सही मिलता है। एक बच्चा था उसको पनिशमेंट दिए थे, तो बाद में क्या हुआ, घर वालों से हम पूछे कि अब क्या कर रहे हो, और मत पूछिए सर जीना हराम कर दिया है, बोले तो मेरा भी किया था आपका भी करता ही होगा, बचपन में कैसा था, शुरू से ही ऐसा ही है सर, प्राइमरी स्कूल में भी वही, मिडिल स्कूल में भी वही, हाई स्कूल में भी वही, अब कोचिंग में भी वही, अब क्या करें, किस तरीके से झेल रहे हैं। अरे बात कहां से निकला, मतलब समुद्र में अगर छोटा सा पत्थर तुमको दिखा तैरता हुआ समुद्र पे, तुम्हारा कान खड़ा हो जाना चाहिए कि पत्थर भारी होता है, पानी पे तैर कैसे रहा है, जरूर नीचे से कोई सपोर्ट होगा, और समुद्र तो अनंत गहरा,
ऐसा सपोर्ट कौन सा समुद्र में लेके, पत्थर हनुमान जी तो नहीं खड़े हैं, और तहकीकात करेगा, देखे उस नीचे पूरा पहाड़ है। पूरा थोड़ा सा इतना पहाड़ से पत्थर दिख रहा था, पूरा नीचे पहाड़ रहता है। ये मास्टर पांडव तुमसे नाराज हो गया, डरा नहीं गए, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी मास्टर तुमसे नाराज हो गया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, नहीं, असली में कोई मास्टर तुमसे नाराज हो गया तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। और ये सब प्रकृति की ताकतें हैं, नेचुरल फोर्सेस, और एग्जिस्ट करता है। जैसे न्यूटन्स लॉ, जो साइंस नहीं पढ़ा उसको बोले न्यूटन्स लॉ, बोले बकवास। कूलम्ब्स लॉ साइंस बकवास, ऐसे करते हैं। और चीजें तो एग्जिस्ट करती, हम लोग जानते हैं, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें यकीन है न्यूटन्स लॉ पे, हमें यकीन है, बहुत सारी चीजों पे यकीन है, बहुत सारी चीजों पे यकीन नहीं। वैसे ही नेचर के बहुत सारा फोर्स होता है और वो काम करता है, ये हम कहीं से पढ़ के नहीं बता रहे, ऐसा हमारा अनुभव है। अनुभव अभी फिलहाल क्या हुआ, दो तो चार दिन पुरानी बात है। ठीक है, ये जो सीढ़ी था ना इधर वाला, वहां पे एक एसी का आउटर लगा दिया था, परिचित है और जानते हैं अच्छे से पहचान, पर हमको बड़ी क्रोध आया, ऐसा आदमी कैसे हो सकता है, यहां हम रास्ते पे आग जला के छोड़ दिया, मुंह जल जाता था तारों में, समझ गया। फिर हम अपने आप को बहुत समझाए कि तुम ही रास्ता बदल लो, तुम्हें से क्या आदर सीढ़ी तो दिन दिन है। एक आध दिन हम उस सीढ़ी से उतरे, फिर हमने सोचा, सोचा क्या, भूल ही जाते थे, नजदीक वही सीढ़ी पड़ता है, हम उसी सीढ़ी से उतर जाए फिर से। फिर गुस्सा आया हमको कि बदतमीज आदमी, फिर दोस्ती याद आ जाए कि जान पहचान क्या है ना, गलत किया है उसने, गलत किया है, भयंकर गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कंप्लेन करूंगा इसको, बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन को, उसने गलत किया है, भले मेरा जान पहचान करता है। पर फिर हम सोचे कि हम क्यों करें कंप्लेन, खाली मुंह से बोलने से थोड़े काम होता है, हम ऐसा सोच तो रहे हैं, है ना। तब तो ये वाला यकीन हो गया, मतलब कुछ गहराई में सोचेगा हम तो होने लग जाता है, हम क्यों कंप्लेन करें, उसको अपने समझ में आना चाहिए, या और भी इस बिल्डिंग में लोग हैं, समझ में आना चाहिए। एक दिन अभी 2-3 दिन पहले उतर रहे थे ना, तो गर्मी नहीं लगा, तब तो उतर से देखे, तो देखे कह रहे नहीं है, तो उसने निकाल के बाहर लगा दिया। अभी देखा होगा तुम लोगों ने, आउटडोर नहीं, ऐसे होने लग जाता, समझ रहे है? क्योंकि जो नेचुरल डिजायर है ना, खाली तुम्हारी डिजायर नहीं है, वो पूरे आसपास के सभी लोगों की डिजायर है, पर वो नेचुरल डिजायर होना चाहिए, समझ रहे। मास्टर एकदम नेचुरली किसी विद्यार्थी पर गुस्सा आ गया, तो खाली वही मास्टर नहीं गुस्सा आएगा, उसके आसपास के सभी मास्टर उससे गुस्सा हो जाएंगे, समझ रहे। क्योंकि ऐसा एक्ट करेगा वो, और एक्ट वैसा करेगा तो फिर वो तुमने छोड़ दिए उसको, बाकी दुनिया में जो नेचुरल फोर्सेस है वो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, सुना है, बकरा तो कटना है, उसकी मम्मी 1 से बचा ली, 2 से बचा ली, 3 से बचा ली, क्योंकि वो तो इलिजिबिलिटी हो गया उसके कटने का ना, समझ रहे बात को। चलिए तो पढ़ाई शुरू करते हैं, लोग लगभग हुए आ ही गए, 3, 2, 5, 3, 8, और 3, 11, और 3, 14, और 3, 17, 1, 18, 2, 20, 21, 24, 25, और 4, 29, और 4, 33, और 4, 37, और 4, 41 लोग आ गए हैं, ऑनलाइन वाले भी साहब लोग, ऑनलाइन वाले साहब लोग भी 10-10 आए हुए हैं,
40 और 10 51 हो गया 52 53 55 रहता है। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे में क्या है, आवाज सुनाई पड़ रहा है क्या? ब्लूटूथ नहीं दिया है किसी ने? आवाज सुनाई पड़ रहा है क्या ऑनलाइन वालों को? यस सर आवाज आ रहा है अच्छे से। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में कनेक्ट करेगा था ना, चलिए अब आवाज अच्छा आ रहा है क्या ऑनलाइन लोग? यस सर। चलिए बहुत। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में गणित 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 खाली कर रहे थे, है ना? कुछ सवाल दिए थे पिछले क्लास में। चलिए पहले तो सवाल कर लेते हैं फिर आगे करना है। 5 मिनट के लिए रुक जाओ, 5 मिनट जरा सा हम सॉलिड स्टेट का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो 5 मिनट से रीडिंग मारेंगे, है ना? रामायण कथा या भगवत गीता कथा वैसे ही हम लोग सॉलिड स्टेट कथा सुन लेंगे। सॉलिड स्टेट कथा सॉलिड स्टेट कथा में कथा पार्ट वन तो हो चुका है जिसमें डिफेक्ट होता था, डिफेक्ट तो सीख चुका हूं ना। इसी में जरा सा फिर से एक बार देखोगे, देखो तो पेज नंबर 22 पेज नंबर 22 निकालो। लिखा है नीचे सबसे नीचे ग्राफ में क्रिस्टल इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स। इम्परफेक्शन कैन बी बिकॉज ऑफ कंडीशंस अंडर विच क्रिस्टल्स हैव बीन डेवलप्ड, impurities, temperature because of thermal conductivity, some atoms, ions can be displaced. These imperfections can be point defect. क्या बोले? Point defect है तो उसे क्या कहते हैं? Point defect. Defect will be at certain lattice position. लाइन डिफेक्ट एक पूरे लाइन को डिफेक्ट कर रहा है। क्या कह रहे हैं? इफ एटम्स आयन्स आर मिसप्लेस्ड मिसिंग रिप्लेस्ड बाय सम अदर आयन्स अलोंग ए लाइन इन ए प्लेन। पॉइंट डिफेक्ट में कौन कौन सा स्टोइकोमेट्रिक है नॉन स्टोइकोमेट्रिक है? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट उसको कहते हैं The formula remains same even after presence of these dips. An stoichiometric ratio में गायो या के टाइजो स्मॉल है वो डिस्प्लेस हो, ऐसे में formula of the compound नहीं होता है। और जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड चेंज हो जाता है। तो मैं दिख रहा है क्या शॉर्ट की फ्रैंकल एंड इंडस्ट्रियल शॉर्ट की मैकेटाइन लाइन दोनों गायब हुआ, फ्रैंकल में डिसलोकेट हो गया, इंडस्ट्रियल में इंप्यूरिटी अंदर भर गया। डेंसिटी शॉर्ट की में जो
थ्योरेटिकल डेंसिटी होगा उससे एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी कम मिलेगा। परसेंटेज मिसिंग यूनिट के बारे में कुछ लिखा है थोड़ा बेकार है, एंगल जान गया, इंटरस्टिशियल जान गया। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मेटासेस और केटायन एक्सेस में देखो क्या लिखा है, इफ नंबर ऑफ मिसिंग एनायन इज मोर देन नंबर ऑफ मिसिंग केटायन, हालांकि ऐसा नहीं है, गलत लिखा है, केटायन मिसिंग नहीं रहता है, एनायन मिल रहता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है जिससे क्या बनता है, एफ सेंटर बनता है। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसीज बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड गेट मॉडिफाइड, सो दिस लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो नोन एज कलर सेंटर और एफ सेंटर। गैडेनो व्हाइट होता है इन कलर एट रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग सम ऑटो माइनस आयन गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड एट देयर लोकेशन बिकॉज दिस इट बिकम्स येलो इन कलर, है ना। मेटल डिफिशियंट क्या है, इसको तुमने रिप्लेस कर दिया डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को, उसको कुछ खाली रह जाते हैं, बात समझ में आया। चलिए सवाल 17 नंबर पर आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, द डिफेक्ट इज नॉन एज शॉर्ट डिफेक्ट है क्या, केटायन एनायन केटायन एनायन गए, डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इन इफेक्ट डिक्रीज, बिल्कुल सही है। NaCl इज एग्जाम्पल ऑफ विच generally solve this effect, stoichiometry of the compound will change slightly. Agla sawal, ferrous oxide is experimentally found to have the formula of Fe.930O, find the percentage of Fe ion in plus 3 state, nikal de to chaliye tatha number 2 तथा नंबर टू है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि दुनिया में सब कुछ फंडामेंटल पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल्स होके जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आपसी मोशन की वजह मैग्नेट जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन के गोल घूमने से करंट जनरेट होता है, उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन से जनरेट होता है। स्पिन करेगा कितने में, गोल घूमेगा 365 दिन सूरज का पी, उसी से कंपेरिजन कर लो, और स्पिन कर जाता है एक ही दिन, तो स्पिन का जो करंट है 365 गुना ज्यादा है, उसके सामने और वाइटल मोशन वाले मैग्नेट को कुछ नहीं करते। ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड उसमें मैग्नेट जनरेट और ऑर्बिट मोशन की वजह से, और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो फिर स्पिन वाला बचा रह गया, पेयर्ड में तो कैंसिल कर दिया आप एंड बाउंड कर दिया, तो स्पिन वाला बचा रह गया, तो ऐसे सभी मटेरियल को कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, दे ऑल आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और जिसमें नहीं लग जा रहा आ तो
तो अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया तो स्पिन वाला तो कैंसिल आउट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके से पूरे मटेरियल्स को पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दो कैटेगरी में बांटते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल दोनों में हम कहते हैं कि भाई एक मजबूत फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड में और एक बहुत ही कमजोर फोर्स लगाएगा। अब सब कुछ आ गया, मैग्नेट कहां से जनरेट हो रहा है, एटम्स जनरेट हो रहा है ना। अब कहते हैं कि कई ऐसे मटेरियल्स हैं जो डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगेगा लेकिन बहुत कम लगेगा। जैसे आयरन, आयरन को तो मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे बहुत फोर्स लगता है मजबूत, और दूसरे किसी को रखो जैसे जो सिक्का बना रहता है, पता नहीं किस किस मटेरियल के बना रहता है सिक्का, एक रुपए वाला तो एक रुपए में कॉपर कहां से रहेगा, पता नहीं तीन विन का रहता होगा कुछ, क्या पता नहीं क्या रहता है, वो उतना मैग्नेटिक अट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन वो जो सिक्का रहता है अरे यही हो जाता है, चिपक जाता है, एक रुपये वाला जो रहता है ना, एक रुपये दो रुपये वाला सिक्का, वो मैग्नेट तुरंत चिपक जाता है, और पांच रुपये वाला नहीं चिपकता, वो थोड़ा महंगा मटेरियल का रहता है। जैसे एक रुपये का सिक्का मान लो कि उसमें लगा दिया पांच रुपये कॉपर, तो लोग बेवकूफ थोड़े हैं, सिक्का खरीद के लाएंगे पिघला के नहीं बेचेंगे कॉपर। और मान लो कि एक रुपये के सिक्का में चवन्नी भर का लगा दिया तो फिर प्रिंटिंग चालू हो जाएगा, अरे सिक्का प्रिंट करना चालू कर देंगे। तो जनरली सिक्का जो रहता है ना वो उतने ही वैल्यू का मेटल रहता है जितना का उसका वैल्यूएशन रहता है, समझ। नोट में से नहीं, नोट एक चेकबुक की तरह है कि मैं इतना धारक को इतने रुपए लेने का अनुमति वचन देता हूं और उस गवर्नर साइन कर देता है उसमें, है ना। तो पूरा का पूरा जो मामला है वो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पे है। पैरामैग्नेटिक में भी क्या होता है कि मान लीजिए हमने मॉलिक्यूल ले लिया पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन ले लिया हमने एक, तो ऑक्सीजन में एक O2 मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मान लो अपर स्पिन है, तो दूसरा वाटर O2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने आप वहां पे आके और उल्टा खड़ा हो जाएगा। अरे दो मैग्नेट तुमने रख दिया, दो मैग्नेट वन और मैग्नेट टू को फ्री छोड़ दिया, तो क्या करता है पता है, अपने आप उल्टा पुल्टा होके न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम क्या करो कि मैग्नेट वन, मैग्नेट टू, मैग्नेट मैग्नेट फोर, मैग्नेट फाइव सबको ऐसे करके वेल्डिंग कर दो, समझ रहे है बात को। हम क्या करते हैं कि मैग्नेट को जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तुम फ्री छोड़ोगे तो एक ऐसे रहेगा और दूसरा ऐसे अपने आप घूम जाएगा, घूम जाएगा ना। लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि ऐसे पकड़ो इसको, इसको ऐसे पकड़ो, इसको भी ऐसे पकड़ो और ऐसे करके सबको ऐसे वेल्डिंग कर दो, फ्रीज कर दो, क्या होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। और मान लो कि इसको मेल्ट करवा दोगे, तो मेल्ट करवाओगे तो थोड़ी देर में पता है क्या होगा, वाला घूम के अपने आप ऐसे, अरे घूमेगा कि नहीं। तो कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल को कई कैटेगरी में बांटते हैं। पैरामैग्नेटिक में एक तो है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या करते हैं, सबको एक तरफ करके फ्री कर देते हैं, सबको एक तरफ करके और फ्रीज कर देते हैं। कैसे एक तरफ करेंगे, किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक में रख दिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जैसा अलाइन हो जाएगा एक तरफ, और उसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए ही फ्रीज कर दिया, जैसे पिघला के रख दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो पिघला हुआ है तो रोटेट कर सकता है, और उसको एक मैग्नेटिक फोर्स फील्ड में रख के सब एक तरफ अलाइन हुआ और ठंडा कर दिए। तो इसे कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। क्या कहते हैं इसको, परमानेंट मैग्नेट। बीकर से निकालते हो तुम तोड़ फोड़ के वही निकलता है, फेरोमैग्नेटिक रहता है। लोहा भी तो मैग्नेट जैसा काम करना चाहिए, लोहा में भी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन लोहा को लोहा से सटाते हो तो कहां मैग्नेटिक फोर्स लगता है, लेकिन लोहा को मैग्नेट से सटाते हो तो तुरंत फोर्स लगता है। तो क्या होता है कि पैरामैग्नेट
लोहा को किसी मैग्नेट के पास रखोगे तो मैग्नेट क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके उसको अलाइन कर दे रहा है, तो अलाइन का फोर्स लग जा रहा है। अब कहते हैं कि कोई आदमी क्या करता है, इसको उल्टा कर देते हैं, एंटी फेरोमैग्नेट। एंटी फेरोमैग्नेट में एग्जैक्टली क्या रहता है, 50-50% कुछ अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन। ये क्या काम है एंटी फेरोमैग्नेट, ये मैग्नेट जैसा काम ही नहीं करेगा। इसको मैग्नेट के पास जाओ तो फोर्स लगेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये कैसे ही होता है, फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में क्या करता है, मान लो कि 50 एटम है, तो इसमें से मान लो कि 5 अप और 3 हो गया डाउन। नेट क्या हो गया, बेसिकली नेट हो गया 2 अप। फेरी मैग्नेटिक ज्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर तो करेगा कि फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक बिहेवियर एक नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया, और ये तीसरे नंबर पे। तो पैरा मैग्नेटिक 3 कैटेगरी का होता है, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक, और एक और कैटेगरी तो डायमैग्नेटिक था ही। डायमैग्नेटिक में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इलेक्ट्रॉन 0 था, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो। अब इस कथा का कहाँ पे जिक्र किया गया है, पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 पे आ जाइए। आगे आगे तो बढ़िया है, देखिए क्या लिखा है सेकंड लास्ट वाले इसमें पैराग्राफ में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेस, यहां से नहीं थोड़ा ऊपर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या लिखा है, एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ इट। Every substance has some magnetic property associated with it. The origin of these properties lies in the electrons. Each electron in an atom behaves like a tiny magnet. Its magnetic moment originates from two types of the motion, its orbital motion around the nucleus and its spin motion around its own axis. एंड ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो हो रहा है छोटा मोटा मैग्नेट है, और जो स्पिन मोशन की हो रहा है बड़ा मैग्नेट है, समझ रहे हैं, भयंकर मैग्नेट। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, डायरेक्शन ऑफ अ स्पिन है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन एंड ए स्पिन, ने तो डायग्राम के बारे में लिखा है। On the basis of their magnetic properties, substances can be classified into 5 categories. One is the paramagnetic, second is the diamagnetic, and there are 3 other variety for the paramagnetic, which ferromagnetic, antiferromagnetic, and ferrimagnetic. Paramagnetism ke baare mein kya likha hai? When substances which are attracted by external magnetic force are called paramagnetic substances. And the phenomenon is called paramagnetism. Atoms, ions, or molecules containing unpaired electrons with this property, for example, O2, Cu2+, Fe3+, etc. These substances lost their magnetism in the absence of magnetic field. क्या है? Magnetic field हटाओगे, up और down क्या हो जाएगा? Anti-ferromagnetic हो जाएगा। Magnetic field लगाओगे, सब एक तरफ align हो जाएगा। और एक तरह लाइन हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या करेगा, बहुत ही अट्रैक्शन होगा। डायमैग्नेटिक, दिस मटेरियल्स व्हिच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक एंड वीक रिपल्सन, नॉट अ स्ट्रॉन्ग। क्या है? वीक रिपल्सन, क्योंकि तुम जानता है क्या इंडक्शन होता है, लेंज लॉ सुना है क्या, बचपन में पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, जहां कहीं भी हम
इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जहां पे हम मैग्नेटिक जैसे करंट एकदम गायब हो जाता है, मैग्नेट जनरेट हो जाता है, और कहीं पे अगर हम करंट मैग्नेट हटा लें तो वहां पे करंट जनरेट हो जाता है, ईएमएफ। उसी सिद्धांत पे तो जनरेटर काम करता है, डायनेमो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तुम पढ़ा होगा दसवीं क्लास में, लेकिन याद कहाँ होगा, बचपन में ऐसे ही खाली पढ़ा था। क्या सिलेबस हटा दिया? सरकार तो और पागल सरकार, एकदम पागल सरकार, कुछ भी हटा देता है। न्यूटन्स लॉ हटा देगा, फ्रिक्शन रखेगा, मतलब क्या पागल है लोग। जैसे अरे प्यार रहता है ना कि हर आदमी ना एक एक चीज का एक्सपर्ट रहता है, और वो जैसे ना मान लो कोई पॉलिटिशियन है तो वो एक्सपर्ट रहता है अच्छा भाषण देने का, और हम लोग हम लोग नहीं, मोदी के साथ खाली ऐसे नहीं, सभी लोग वो हर अब एक ही आदमी 50 चीज का एक्सपर्ट थोड़े हो जाएगा। तो मान लो डॉक्टर है तो हम इलाज देने एक्सपर्ट है, हम मशीन बनाने थोड़े आता है हमको। वैसे ही पॉलिटिशियंस रहते हैं, जो इतना चुनाव जीता है, तुम कितने लोगों को कन्विंस कर पाते हो, और वो चुनाव जीत जाता है इतना, तो बढ़िया स्पीकर रहता है, पर उसको स्ट्रेटजी नहीं आता, अंदर से खोखला रहता है, खाली दिखेगा कि हाँ स्टोन में वो मोमबत्ती जला के धड़ा इनॉग्रेशन हो जाता है, समझ रहा है, पूरा पॉलिटिशियंस ऐसे करते हैं। अभी गुजरात में चुनाव है तो सरकार ने कल पूरा इनॉग्रेशन किया गुजरात में, खुलेआम चोरी कर, समझ रहे हैं, खुलेआम चोरी कर। इलेक्शन है तो पेट्रोल का दाम गिरा देंगे 10 रुपए धड़ाम से, फिर इलेक्शन खत्म फिर धड़ाम से बात है। और जानते हैं मेमोरी वीक होता है पब्लिक का, क्योंकि वोटर्स जो है ना बहुत गरीब रहते हैं, 60% पोलिंग होता है ना, तो 40% लोग जाते कहाँ है, हम तुम थोड़े वोट देने जाओगे, कौन धूप में खड़ा होगा वहां पे लाइन में, समझ रहे हैं। तो अरे वोट नहीं देते जनरली लोग, जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लोग है वोट नहीं देते, वोट देती है गरीब जनता, और गरीब जनता को क्या उनको पता है, मेमोरी इनका शॉर्ट टर्म होता है, वो भूल जाता है तो भूल जाता है, ऐसे करके एक से काम भटक गए। हाँ सिलेबस में सरकार ने ऐसे गड़बड़ कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही हटा दिया, वाह वाह। पिछली बार सुना था कि वो कोविड की वजह से लोग बच्चे कम पढ़ पाएंगे, न्यूटन्स लॉ हटा दिया, फ्रिक्शन हटा दिया, सच्ची घटना है। अच्छा वो जो उनका सेक्रेटरी होगा तो आईएएस ऑफिसर होगा, वो तो साइंस वाला बुलाया गया होगा, तो बोला होगा कि नहीं सर न्यूटन्स लॉ के बिना फ्रिक्शन नहीं हो सकता है सर, तो मिनिस्टर बोला बेवकूफ कहीं काम जो कह रहे हैं वो करेगा कि अपना मन चलाए। चलिए तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, दो मटेरियल्स विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल, Cu प्लस। तो क्या करता है कि इंडक्शन को ना, जैसे वहां पे तुम मैग्नेट लाओगे तो उसका अपोज है, और अपोज करने में स्मॉल रिपल्सर होता है, देखना अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था और रिपल्सन क्या है वीक है, क्योंकि अट्रैक्शन जो हो रहा था वो स्पिन मोशन की वजह से हो रहा था, और रिपल्सन जो हो रहा है वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से हो रहा है। दे डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फेरोमैग्नेटिज्म में देखा कैसे है सब एक साथ लाइन में खड़ा, व्हेन सब्सटेंस इज सो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, this phenomenon is known as magnetism, and such substances are called as ferromagnetic substances, as for example iron, nickel, cobalt and chromium oxide. This type of magnetism arises due to the spontaneous alignment of the magnetic moment due to unpaired electron in the same direction. Anti ferromagnetic ho gaya na, ab yahan pe sab yaad karna padega, FeNiCO तो तुम देख के बता दोगे, अरे अनपेड इलेक्ट्रॉन देख के बता दोगे, लेकिन जब तुम्हारा बात आएगा CrO2 तो पड़ेगा क्रोमियम का +4 है, वो भी देख के बता दोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो पहचानना हम पहले भी जानते थे, फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है,
substances which are expected to possess paramagnetism or ferromagnetism on the basis of unpaired electrons, but actually they possess a zero net magnetic moment, are called antiferromagnetic substances, and the phenomenon is called the antiferromagnetism. As for example, MnO antiferromagnetism is due to the presence of equal number of magnetic moment in the opposite direction. Ferromagnetic samajh hi gaya na, sab yaad karna padega. MnO, Fe3O4, Mn2+, M2+, Fe2O4, है ना. एक क्यूरी टेम्परेचर होता है. क्या होता है क्यूरी टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लूजेज इट्स फेरोमैग्नेटिज्म एंड बिकम्स ओनली पैरामैग्नेटिक. फॉर आयरन द क्यूरी टेम्परेचर इज 1033 केल्विन एंड फॉर निकेल इट इज 629 केल्विन एंड फॉर Fe3O4 इट इज 850 केल्विन. बिलो दिस टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक सॉलिड बिकम्स फेरोमैग्नेटिक. समझ रहे हैं बात को? नीचे वाला लाइन गलत लिखा हुआ है. ऊपर वाला लाइन क्या है? फेरोमैग्नेटिक था और तुमने गर्म किया. गर्म करने का मतलब क्या है? मेल्ट चाह रहे हैं तो अंदर वाला घूम नहीं जाएगा. फ्रीज था वो, घूम गया, और घूम जाने से क्या हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक हो जाएगा. इस तरीके से डोमेन क्या है? इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयन ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ग्रुप टुगेदर इनटू अ स्मॉल रीजंस कॉल्ड डोमेन्स. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटल सेमीकंडक्टर. और एक दिन और कथा चलेगा, उसमें आएगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना. आज तो हम लोग क्या पढ़ लिए? मैग्नेटिक. चलिए अब कथा नंबर 2 स्टार्ट किया जाए. किसका? केमिकल काइनेटिक्स का. तो हम 20 सवाल तुमसे पूछे थे, 22 सवाल, उसमें से 4-5 बता देते हैं. पहला सवाल बन गया है? बन गया. पहला झूठ तो नहीं बोल रहा है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चलो 8 बताते. 8 रुको ना. ऑनलाइन वाले लोग कुछ बोलते नहीं है. क्या पढ़ेंगे? ऑनलाइन. चलिए आठ नंबर बता रहे हैं. पहले हम द इन्वेंशन ऑफ केन सुगर. अच्छा, केन सुगर वाला सवाल पूछ दिया. इनको भी पढ़ाया नहीं, आज पढ़ाने वाले. बहुत बढ़िया, शानदार. अगला सवाल, 9 सवाल. 9 भी नहीं बना. 8 नंबर. केन सुगर लगे जैसे पूछ दिया है. वो आज आने वाले, वो भी एप्लीकेशन है जो पढ़ाए, तो उसी का एक एप्लीकेशन है. हो सकता है उसे भी जाए. रुको, डाल देंगे तो बन जाएगा. 9 नंबर, 10 नंबर, 10 10 नंबर. देखो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एवरेज T50 एंड T75. T एवरेज है, ये भारी सवाल हो. T50% एंड T75%. देखना
भारी सवाल, एकदम भारी सवाल। 50 तो तुम जानते हो कि जिस सी का वैल्यू और 75% हो गया, सी का वैल्यू नहीं, 75% खत्म हुआ है, 25% बचा हुआ है, टी एवरेज कैसे निकालोगे? टी 100% भी जानते थे तुम, इन्फिनिटी, जिस समय सी टेंस टू जीरो होता था, रेट टेंस टू जीरो हो जाता था, और ऐसे में तो फर्स्ट रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एवरेज टाइम कैसे निकालें? कैसे? एवरेज हमने पहले सुना हुआ है कई चीज। एवरेज होता है, मान लो कि पर्सन एक्स का मास एम ओ है, एम टू है, एम थ्री है, एम फोर है, चार से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा। मान लो कि पांच ऐसे लोग हैं जिनका वजन 50 केजी है, चार ऐसे लोग हैं जिनका वजन 40 केजी है, तीन ऐसे लोग हैं जिनका वजन 30 केजी है, सात ऐसे लोग हैं जिनका वजन 70 केजी है। और अब एवरेज निकालना हो क्या करोगे? पांच में 50 से गुना करोगे, चार में 40 से, तीन में 30 से, सात में 70 से, और नीचे सब जोड़ दोगे, पांच प्लस चार प्लस तीन प्लस सात, और निकालोगे एवरेज, है ना? एवरेज तो ऐसे निकालते हैं। तो मान लो एक फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और अभी इसका शुरुआती में एन जीरो नंबर ऑफ पार्टिकल था, टी इज इक्वल टू जीरो पे एन जीरो पार्टिकल, टी इज इक्वल टू एक सेकेंड पे, अब इसमें से जीरो माइनस एक्स बचा, एक सेकेंड में कितना मर गया? एक मर गया। तो लाइफ ऑफ X atoms 1 second है, ऐसे ही t is equal to 2 second जब हम गए तो n zero minus 3x टूट गया, बचा मतलब 3x टूट गया, x तो टूट गया था एक ही सेकेंड में, तो यहां से यहां तक कितना टूटा? 2x, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? Life of 2x m, एक सेकेंड और 2 second के बीच में है, मतलब एक से ज्यादा है और 2 से कम है, क्या बोलते इसको? ऐसे लिखते, जीरो से लेके 1 second तक है लाइफ, और ये वाला 1 second से लेके 2 second तक लाइफ। जो अंतिम एटम बचेगा, मान लो कि ऐसे करते करते हम एक लास्ट एटम जो बचेगा, है ना, ये अब हो चुका है टी इंफिनिटी, तो ये कितना दिन तक जिंदा रहा? इंफिनिटी टाइम तक जिंदा रहा। तो लाइफ ऑफ लास्ट एटम इंफिनिटी हो गया, तो हो गया कि नहीं? अब इसी में हमको गणित का उस्ताद बनना है, यहीं पे कैलकुलस काम आता है, और कैलकुलस का हम इस्तेमाल कर हुए एक लाइफ टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे? लाइफ निकालेंगे, तो ये तो इंटरवल हम सेकेंड का लिया है, अभी हम इंटरवल बहुत छोटे टाइम टी के लिए लेंगे। तो मान लो कि कोई एक रिएक्शन था फर्स्ट ऑर्डर, और रिएक्शन यहां से ऐसे प्रोडक्ट में जाता है, है ना, टी इज टू जीरो पे इसका एन जीरो एटम था, टी इज इक्वल जीरो पे एन जीरो एटम था, टी इज इक्वल टू टी पे इसका एन एटम बचा हुआ, एटम बचा हुआ। बिटवीन टाइम टी इज इक्वल टू टी टू, टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी एम टाइम इंटरवल लेते हैं, इस बीच कितना एटम मर जाएगा? तुम ऐसे बोलोगे माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू एन टू द पावर 1, ना? ये डी एन क्या है?
ये dn जो है k into n into dt, और ये dn क्या है n at t plus n at t plus dt minus n at t का विथ नेगेटिव साइन, नहीं है ना। ये बेसिकली क्या हो गया, n जो टाइम t पे था उसमें से हमने घटा दिया n t plus dt में, वही ना dn। अरे dn यही था ना, टाइम पे जितना एटम बचा था उसमें से हम घटा दी टी प्लस डी टी टाइम पे जितना एटम बचा था, तो यही इतना ही एटम मरा है क्या बिटवीन टी एंड टी प्लस डी टी, डी टी टेंस टू जीरो है, मतलब इतने एटम का लाइफ टी है क्या, टी तक सब जिंदा रहा था और टी से टी प्लस डेल्टा पे मर जाता है, मतलब इनका लाइफ टाइम कितना है टी है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि एवरेज लाइफ अगर जब हम निकालते हैं, अच्छा रुको बताते हैं, एवरेज लाइफ अगर हमको निकालना है तो हम बोलेंगे कि dn एटम जो है वो t टाइम जिया है, इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा, और टोटल एटम हम n जीरो से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा क्या। नहीं समझा, एक बार और समझा देते हैं। हेलो, कोई नहीं गया क्या आज भी, एक मिनट बस बस ये है। अच्छा अच्छा हम थोड़ा आधा घंटे फ्री हो जाएंगे, क्लास में है। हाँ 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 अच्छा अच्छा तो हम अभी फ्री हो जाए। देखो फिर से एक बार समझाते हैं, लो कि हमारे पास 100 कोई छोटा मोटा इंसेक्ट है ना, 100, और ये 100 इंसेक्ट अगले 60 सेकंड में सब मर जाता है, 6 सेकंड में सब मर जाता है। हम देखे घड़ी लगा के कि टी इज इक्वल 30 सेकंड पे 40 बचा हुआ, और टी इक्वल टू 31 सेकेंड पे, या और छोटा कर लेते 30.01 सेकेंड, हमारे पास 38 बचा। तो मतलब ये बहुत ही माइक्रो टाइम है, दो डेथ हुआ है क्या, ये दोनों का लाइफ इतना रहा 30 और 30.01 के बीच में। अगर ये जो इंटरवल था इसको और छोटा कर देते तो हम कहते लगभग, तो ये हम कह रहे हैं E इज इक्वल टू T पे, और T इज इक्वल टू T प्लस DT पे पॉपुलेशन अगर 40 और 38 है, जो दो है वो DT टेंस टू जीरो, तो हम कहेंगे दो का जो लाइफ है वो कितना जिया है, ये जिया है T सेकेंड, दो जी आई टी सेकेंड को हम ऐसे करके इंटीग्रेट करना चाहिए, समेशन लेंगे निकल जाएगा सबका लाइफ, और सब लाइफ में सारे से डिवाइड कर देंगे तो लाइफ निकल जाएगा। अरे एवरेज लाइफ क्या होगा जरा, तो एवरेज लाइफ होगा, हाँ एवरेज होगा कि पहला वाला कितना साल जिया, दूसरा वाला कितना साल जिया, तीसरा वाला कितना साल जिया, ऐसे करते करते सब में हम जोड़ देंगे सब। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि टाइम टी पे एन पॉपुलेशन था, और टी प्लस डी टी पे कितना पॉपुलेशन होगा,
टी प्लस डी टी पे पॉपुलेशन सही होगा, डीएन बाई डी टी मतलब डीएन मतलब एन फाइनल माइनस एन इज इनिशियल, इतना डिफरेंस है जैसे 40 माइनस 38 दो था, वैसे एन टी माइनस एन टी प्लस डी टी का वैल्यू ही तो माइनस डी एन है, और माइनस डी वैल्यू हमने के एन डी टी पता कर लिया, तो के एन डी टी जो पॉपुलेशन है इसका लाइफ टी टाइम है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा लाइफ निकल जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो था डिवाइड किया तो एवरेज लाइफ निकल जाएगा क्या? अब हम क्या करेंगे, माइनस एन का वैल्यू पुट कर देंगे क्या, के एन टू डी टी, और इसमें टी से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट कर देंगे कहां तक, एन जीरो तक, और ये टाइम इंटरवल कहां तक है, जीरो से इंफिनिटी तक, ये रिएक्शन खत्म होने में इतना ही टाइम लगता है। अब ये वैल्यू क्या हो गया, हाँ ठीक है, ये वैल्यू हो गया के एन का वैल्यू क्या होता है, इसमें एन बदलता हुआ है, एन भी वेरिएबल है टी भी वेरिएबल है, एन का वैल्यू एन जीरो ई टू द पावर माइनस के इंटू टी होता था ना, क्या लिखेंगे ई टू द पावर एन जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस के इंटू टी इंटू टी डी टी इंटीग्रेशन डिवाइड बाई एन एन जीरो, एन जीरो तो कट जाएगा, क्या जाएगा के इंटू टी इंटू द पावर माइनस के टी डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी तक, इंटीग्रेशन आसान नहीं है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना पड़ेगा, समझ गया क्या, इसका लू आता है के स्क्वायर आता है वाई के स्क्वायर, के से के गया तो आंसर है वन बाई के, एवरेज लाइफ कितना है वन बाई के, जो कि हाफ लाइफ से बड़ा है, नेचुरल लाइफ शायद यही होगा, नेचुरल लाइफ और लाइफ शायद एक ही होता है, वो एक लाइफ टाइम अलग होता है, जो लाइफ टाइम तो इनफाइनाइट हो गया, एवरेज लाइफ और नेचुरल लाइफ यही होगा वन बाई के, समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर फाइव में सही है वन बाई के, हाँ वही ठीक है वही। चलिए तो अभी सवाल में क्या कहेंगे कि क्या था, टी 50% टी 75% और टी 50% और टी का वैल्यू 1 बाई के है, और इसका वैल्यू क्या था 0.693 बाई के था, और ये तो 2t है ना, 2 इंटू टी 50% जाएगा 2 इंटू 0.693 बाई के तो जाएगा 6.813, ये इतना हो गया, और ये वाला 0.693 बाई के हो गया, और ये 1 बाई के हो गया, सबसे बड़ा हो गया टी 75 तब फिर हो गया 1 के टी एवरेज हो गया, और सबसे छोटा हो गया कौन सा, ये 10 तक हो गया पार्ट टू में, पहला दूसरा तीसरा चारों हो गया, तुम लोग तेज हो पढ़ने में, हाँ पता है, अरे सुनो तुम्हारा तारीख सर सब दिन के बाद, तुम लोग तेज है पढ़ने में, हम लोग जो तेज थे ना हमको लगता है तुम लोग ज्यादा तेज हो, पर हम लोग क्या करते बहुत काम करते थे, तुम लोग वो लग्जरी आ गया है शायद, या फिर तो कुछ ऐसे गड़बड़ी हुआ है, या तो दुनिया बदल गया है, पहले ऐसे दुनिया नहीं था, पहले संसार का कोई खबर किसी विद्यार्थी को पता रहता था, पिताजी सुनाते थे दादाजी सुनाते थे, अरे अखबार भी पढ़ नहीं सकते हो, टेलीविजन नहीं देख सकते हो, रेडियो रेडियो से एक बार समाचार 8 बजे आता था, टी 8 बार या 2 बार 3 बार कितना बार आता था, और आकाशवाणी खबरें प्रधानमंत्री ने किया वो किया ऐसे नहीं सुनता है रेडियो पे, पे वैसा खाली समाचार होता था, तो कुछ वो मेथड नहीं था एंटरटेनमेंट का, नॉलेज भी इतना नहीं होता था बच्चों को, वो किताबें तब भी चलती थी, अब तुम क्या पढ़ रहे हो ऐसा थोड़ी कि उस समय नहीं चलता था, किताब तब भी थी, पर जो डिस्ट्रैक्टिंग वर्ल्ड जो है ना वो पॉजिटिव भी है, मतलब हम निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, पर वो डिस्ट्रैक्शन जो होता वो फोकस होने से थोड़ा
तंग करता है तुमको। तो छोटे छोटे काम वालों को ये सिलेक्शन बहुत फायदेमंद है, लेकिन तुमको आईआईटी जैसा ब्रेकफास्ट करना हो, साइंटिस्ट बनना हो, दुनिया को रूल कर हो, अरे समझ रहा है, कहते हैं कि एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी को सब कुछ परिस्थितियां ठीक मिल जाए ना, तो जहां रहता है वो बोलते हैं ना कि जाड़ा होता हूं लाइन वहीं से बनता है, अमिताभ बच्चन बोलता है ना, वो कई बार ऐसे हुआ, बहुत आईआईटी ग्रेजुएट्स उसमें ज्यादा फेमस हुए, क्योंकि भारत में जितने सारे इंटेलिजेंट लोग थे वो उनको आईआईटी लेता है, ज्यादातर भारत के इंटेलिजेंट जो हुए वो सबके पीछे आईआईटी आईआईएम लगा रहता है, समझ रहा है, तो वो डिफॉल्ट होता है, परीक्षा लेते हैं और सब तेज बच्चा रहता है, वो मैथमेटिक्स की तरफ भागता है, मेडिकल कॉलेज भी भागता है, मतलब एक बात ऐसा नहीं बोल रहे हैं, पर इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ धड़ाम धड़ाम भागता है और आईआईटी में धड़ाम से सेलेक्ट हो जाता है, तभी सभी लोग ऐसे ही, तो फिर उनका उनके पीछे स्टोरी ऐसा है कि वो छोड़ दिया, कभी बहुत सारा दिमाग इरिटेट हो जाता है ना, कई साधु संन्यासी बन जाता है, जिंदगी बहुत आयाम है, हम तो गरीब हो इसलिए खाली पैसा दिखता रहता है, बाकी जिंदगी के बहुत आयाम, तो क्या करते हैं, कोई तो एक प्रोफेसर मिला था साइकिल से आदिवासी में रहा, और वो प्रोफेसर कहाँ का, आईआईटी दिल्ली का, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड का पढ़ा हुआ ग्रेजुएट, बाद रघुराम राजन उसका स्टूडेंट था और रिकॉग्नाइज किया था, जब गवर्नर बना था ना रघुराम राजन, तो रघुराम राजन उसका स्टूडेंट था, वो मेरे गुरु जी साइकिल पे झोले के जाते हुए समझ रहा है, ऐसे बहुत, तो अब उसको साइकिल पे मत बोलो, उसका फिर पास्ट देखेगा ना तो पता नहीं कितने लाखों आदिवासियों का जीवन चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो क्या करता है, काम करिंदा आदमी होता है, और दिमाग भी उसके साथ हो ना, तो काम करिंदा आदमी 10 साल काम कर देता है, 20 साल काम कर देता है, तो बड़ा बड़ा वो एस्टेब्लिशमेंट खड़ा कर देता है, ठीक है, बड़ा बड़ा एस्टेब्लिशमेंट खड़ा कर देता है, अभी वो वृंदावन गए थे तो एक प्रेम मंदिर है वृंदावन में, सुना है, दिमाग मेरा हिल गया, हम तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में होने के नाते वो जब तुम कहीं जाओगे तो सब कैलकुलेट कितने दाम का बिल्डिंग है, अरे तो रहा है, हम तो कहीं किसी बिल्डिंग में घुस कदम से नाप देते, मेरा कदम 0.7 मीटर का है, मीटर नापा 70 मीटर, 70 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 210 फीट लंबाई चौड़ाई मारा, स्क्वायर फीट निकला, एक स्क्वायर फीट बनाने का 5,000 खर्चा आता है, अरे बिल्डिंग तो 100 करोड़ की है, तो कौन से बिल्डिंग हम नहीं नाप चुके जिसमें हम जाते हैं, एक टाइल्स, अच्छा टाइल्स लगा तो और आसान होता है, 2-2 फीट का होता है ये टाइल्स नाप दिया, लंबाई चौड़ाई दाम से दाम निकल गया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो हम गए प्रेम मंदिर, सब लोग जो मेरे साथ थे तो भगवान के दर्शन में लगे थे, हम तो टाइल्स काउंट कर रहे थे हमने देखा रे ये बिल्डिंग तो बहुत बड़ा है और जमीन उसमें कुछ 50-100 एकड़ का, इतना बड़ा आदमी कैसे बनाया कैसे इसको, बाद में हमने तहकीकात किया, गूगल पे तो सब उपलब्ध है, तहकीकात में पता चला कि एक मुकुंदानंद स्वामी है, कौन, मुकुंदानंद, आईआईटी दिल्ली आउट, आईआईएम कलकत्ता पास आउट, और वो वहां का मेन संत है समझ रहा है, तो वो बहुत सारा स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं, ये अभी जो जितने भी इधर किधर के मंदिर है ना, हम लोग जहाँ जहाँ जैसे हनुमान मंदिर भी है ना, तो कोई साधारण आदमी नहीं, किशोर कुणाल आईपीएस ऑफिसर था, किशोर कुणाल का वो सब है, बहुत सारा वो चलता है, ज्ञान निकेतन स्कूल भी तो है, महावीर आरोग्य कैंसर संस्थान है, बहुत उसने चैरिटेबल काम किया हुआ है, तो ऐसे बड़े बड़े जो लोग जो दिमागी लोग लग जाते हैं वो जहां खड़े हो जाएंगे, खाली टाइम चाहिए, वो 1 साल में नहीं होता आईआईटी जैसा तैयारी, 10 साल भी नहीं होते चाहिए, अब किशोर कुणाल लगे हुए 45 साल से, मुकुंदानंद भी जो हम बोल रहे हैं वो 60 ईयर्स ओल्ड है, अभी अनमैरिड है, वो संन्यास बन गया, यूट्यूब पे ढूंढना मुकुंद करके, वो आईआईटी आईएम ग्रेजुएट है, बात पते की, वो भगवान का भी बात करेगा तो पते की बात करेगा, उसमें भी लॉजिक लगाएगा, समझ रहे हैं, ऐसे ही इस्कॉन में देख तो ये बड़े बड़े भी सामने बनाया ना इस्कॉन मंदिर, ये 100 का बिल्डिंग बनाया यहाँ पे, समझता है 100 करोड़, सब चंदे से सब, और वो क्या भरे पड़े आईआईटी आईएम ग्रेजुएट, किसी कंपनी का सीईओ दुनिया से उब गया कि भाड़ में जाए दुनिया, ये सब बेकार की बकवास की बातें, जो ढोलक झाल बजाओ जरा सा मस्ती करो जिंदगी में,
अब वो ढोलक झाली बजाएगा तो 24 घंटे खाली ढोलक झाली थोड़ी बजाएगा, माइंड शांत होगा तो बोलेगा चलो कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसी किसी को इम्प्रेस करते हैं, किसको, फोर्ड वाले को। अब जैसे हम मान लो कि जाएंगे किसी शहर में तो हम किसी वो फोर्थ ग्रेड में जो मान लो कि कोई लगा रहा है सड़क पे, उससे थोड़े हम कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि चंदा दो तो कितना देगा, 10 रुपए देगा, 20 रुपए देगा। हम जाएंगे हथुआ महाराज से लेंगे जरा सा, अरे अपने होस्टल से दिखता है ना वो बिल्डिंग छुट्टी करता है एग्जीबिशन रोड और फिर रोड के बीच में जहाँ पे 5 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन है उसमें वो खेती करते हैं भाई साहब, उगाते हैं, समझ रहे हैं, हथुआ महाराज नाम सुना है, बहुत रिच है, अरबों खरबों कुछ पैसे। उनको जरा समझा लो कि आप भक्ति वक्ति में करेंगे क्या, हाँ करेंगे, इकट्ठा देंगे क्या एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं। 2013 की बात है, 2013 में हम कोचिंग खोलने वाले थे। कोचिंग खोलने से पहले पारस अस्पताल देखे, पारस अस्पताल के जस्ट अपोजिट में ना एक संस्कृत विद्यापीठ है, संस्कृत विद्यापीठ, वो कोचिंग का नाम विद्यापीठ सेटेड है। तो वहां पे गुरु जी थे 95 ईयर्स ओल्ड, हम नहीं पहचान होंगे, मेरा एक भाई जैसा ही है दीपक, वो मरीन में है, टीएस चाणक्य इंजीनियरिंग होता है ना उससे, वो चाणक्य से मरीन इंजीनियर है वो, उसके फिर से उनका जान पहचान था। दीपक पढ़ने में कुछ था, गुरुजी से गुरुजी उसको खूब मानते थे, गुरुजी शादीवादी नहीं किए थे, बाल बच्चा कोई नहीं, और वो बड़े आदमी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दोस्त हो तुमके, बड़े आदमी थे और संस्कृत विद्यापीठ चलाते थे, अभी भी वो संस्कृत, अब तो हो गया उनका, जिस समय आए थे उस समय थे, उस समय तो छोटे छोटे बच्चों रखते थे उसको संस्कृत सिखाते थे, और जमीन था एकड़ में 5-10 एकड़ जमीन है ना, कहाँ पे, रस हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट। हम लोग गुरु जी के पास गए, गुरु जी हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए, हम लोग अपने, हम थे मेरे भाई, वो था वो एक और उसका दीपक उसका जूनियर, सब सब नेता हाट वाले थे, तो हम लोग गए गुरु जी से, मैं से दीपक ले गया कि चलिए भैया मिलाते हैं। गुरु जी बोले अरे तो आज बहुत अच्छा प्रस्ताव है, हम तो तुम्हारी बहुत सहायता कर सकते हैं। हम बोले क्या सहायता कर सकते हैं, जमीन मेरे पास, जमीन ही है, कितना चाहिए है ना। हम लोग बोले जमीन से हम लोग क्या करें, हम लोग गरीब आदमी है, जैसे बिल्डिंग बनाना तो करोड़ों का होता है, कहाँ से हम लोग बनाएंगे। अरे कुछ नहीं सा उन्होंने मिल जाएगा, इतना महंगा यार जमीन है, बैंक को चुटकी बजाएगा आएगा, हम लोग अपना उसमें से कमाना और जो पैसा है उसमें से ईएमआई भर देना, बिल्डिंग बन जाएगा इसी में। तुम लोग, वो गुरुजी चाहते थे कि इतना महंगा जमीन है और ये सब जो है वो किसी ऐसे हाथों में मर जाएगा नहीं। तो जो बड़े लोग होते हैं वो पूरा संपत्ति को किसी ठंड में सौंप के मरना चाहते। तो गुरुजी हम लोगों को जो जमीन दो दो तीन तीन चार चार करोड़ रुपए कट्ठा हम लोगों को बोल रहे हैं अरे ले लो ना तो थोड़ा विराम लगाए कि ऐसे कैसे ले ले, मतलब हमारा भी तो स्वाभिमान है, ऐसे दे रहे हैं तो कुछ कहीं कुछ बात नहीं है, जरा सोच विचार ले। तो हम लोग गुरु जी से कुछ समय लिए कि हम लोग कहीं किराए पे लेके बन चालू करना चाहते थे और ये आप तो जमीन दे रहे हैं, ये क्या करेंगे, जरा सा सोच विचार ले उसको, ठीक है। 2-4-5 दिन हम लोग जब तहकीकात किए तो पता चला कि जैसे ही गुरु जी हम लोगों को इन दे थे वैसे ही हम लोगों में से एक एक का कोई ना कोई मर्डर करना चालू कर देता। अरे समझ रहा है, ये बीच बीच में बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं, समझ रहे है? तुम जाए सोसाइटी के बारे में, ये बगल में सेंट्रल मॉल है अनंत सिंह का, बगल में वो सूरज भान सिंह है, वो बगल में वो पार्स पांडे है, ये क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग हैं ताकत में, बंदूक बंदूक सब रहता है इनके पास। और वो क्या करते हैं कि कोई जमीन अगर खाली पड़ा है कुछ पड़ा है तो वहां पे कब्जा मारते हैं, तो वो सब भी गुरुजी के शिष्य थे समझ रहा है, तो गुरुजी के शिष्य थे। और जो भी गुरुजी की आप सुन लो कोई इन तीनों का नाम लिए कि कोई अगर है बता मत देना तो झगड़ा हो जाए।
समझो अरे अब हम इन लोगों को जानते भी हैं बहुत दिन है, तो कोई ना कैसे ना कैसे एडमिशन कोई ऐसे जाता कोई नहीं। तो हुआ गुरु जी के पास ये लोग बड़े बड़े लोग थे, ऐसा जैसे मोस्ट पॉलिटिशियन ऐसे ही ऐसा बनाते हैं, वो कई ऐसे पूरा जमीन कब्जे समझ रहे हैं, ये यहाँ पे डाक के पास एक बड़ा सा लैंड है जहाँ पे डाक बना हुआ सब देखता स्टेशन की तरह है ना, एक खाली जमीन पड़ा है उसकी इंचार्ज लगे हुए हैं, वो ही एक बार निकलेगा तो 100-100 करोड़ का मामला है, 500 करोड़ का मामला है। तो हम लोगों को पता चला कि गुरु जी तो कोई अच्छे आदमी को ढूंढते हैं, बेचारे किसी को सौंप दे, और ये लोग जो जमीन चक्कर में पड़े हुए लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि ये क्या बोलते हैं गुरु जी के संपर्क कोई ना आ जाए है ना, जो संपर्क में आता है उसको पहले धमकाते हैं और नहीं माना तो फिर वो उसको कुछ भी कर सकते हैं, टपका भी सकते हैं। फिर हम लोग गुरु जी हम लोग किराए का मकान लेके हम लोग चालू करते हैं, ठीक है चालू करते हैं। तो हम लोग बोले कि लेकिन इनॉग्रेशन में पाइए, गुरु जी बोले ठीक है पर विद्यापीठ नाम रखो, हम लोग बोले ठीक है गुरु जी इसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसे करके वो विद्यापीठ और विद्या विद्या कॉमन भी हो गया, हम पहले विद्या मंदिर में थे विद्यापीठ समझ रहा है, ऐसे करके ये पता नहीं हम किधर से इधर भटक गए थे, क्या सुना रहे थे। हाँ तुम लोग तेज हो है ना, तो तेज होगी तो तुम लोग तेज हो मतलब हम अपने से रेफरेंस ले रहे हैं तुम्हारा, कि मतलब जैसे मान लो कि हम कितना तेज थे तो भी मेरा आईआईटी में सुन हो गया और तुम लोग उससे ज्यादा तेज हो, लेकिन तुम्हारे हमारे अंदर क्या अंतर था ना कि हम पूरे वो थे पढ़ाई के प्रति, हमारा डिवोशन लेवल तुमसे ज्यादा था। लोगों में भी कई लोगों का डिवोशन है लेकिन तुम लोग कहते हैं ना लाइट मूड में आके तुम कुछ भी ला सकते हैं, रैंक बन सकता है समझ रहे हैं, रैंकर बनने की कोशिश मत करना, आ जाए तो खुश हो जाना, लेकिन काम करना चालू करेगा ना तो बहुत कर सकते, सवाल नहीं बनता है जनरली समझ रहा है, ये सब सवाल बन जा रहा है, सब टफ लेवल सवाल है, एक्सरसाइज 2 एकदम जेई एडवांस से भी ऊपर का सवाल होता है, सवाल बन जा तुम भूल मत जाना करके। मतलब एक हम तारीफ कर रहे हैं कि ऐसे प्रैक्टिस करते रहेगा ना तो देखते देखते 150 से 200 300 से ऐसा नंबर आने लग जाता है। तो क्या होना चाहिए, जुझारू होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, मार्ग पे चलते हो। भगवान बुद्ध 84 साल तक चलते रहे, 4 ईयर्स में मरे थे तब, आज उतना नाम सब कोई जानता है। तुम लोग क्या करते हैं, बहुत है लेकिन एक ही सेकंड जिंदा रहूंगा है ना, हनुमान जी है कि एक सेकंड के लिए बिलुप, भूकंप जाए समझ रहा है, भूकंप है खूब ताकतवर एक सेकंड में खत्म, हल्का भूकंप भी 10 मिनट रुक जाए ना तो तोड़फोड़ मरे। तो वैसे ही थोड़ा कछुआ खरगोश जो कहानी है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब झूठ मत बोल देना कि पार्ट 3 में भी सब बन गया, एक डाउट है कौन सा, 6 नंबर, अरे वाह 2nd नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 2nd नंबर जरा देखो, ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बी बाई, अच्छा बाई मॉलिक्यूलर अभी तुमको हम पढ़ाया नहीं है, बाई मॉलिक्यूलर ऐसे पढ़ाएंगे, रुको रुको ये भी तुम्हारे तो कैसे बन गए लोगों से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कांट बी प्रेडिक्टेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन मे बी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री दो तरीके का रिएक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट दो तरीके का रिएक्शन होता है वो हम पढ़ाएंगे अभी, ये तो पढ़ना है हमको उसमें जो पार्ट वाला है ना केमेटिक्स पार्ट 2 जो है उसमें पढ़ाएंगे अभी, उसमें 6 नंबर जरा बता दे, Zn2H+Zn2+H2 half life period independent of concentration of zinc at constant pH, for the constant concentration of the constant pH मतलब H+ तो तुमने फिक्स कर दिया है, मतलब जो भी रिएक्शन की डिपेंडेंसी हो जिंक पे नहीं है, जो भी हो उस पे H+ पे,
रेट बिकम्स 100 टाइम्स एंड पीएच इज डिक्रीज फ्रॉम 3 to 2, तो तुमने 3 to 2 किया तो कंसेंट्रेशन 100 टाइम्स का फर्क पड़ा, नहीं 10 टाइम्स का फर्क पड़ा। तो 10 टाइम्स का फर्क पड़ने से रेट 100 टाइम्स का हो गया, इसका मतलब एच प्लस का पावर 2 है, एच प्लस का पावर 2 है, 2 है कि माइनस 2 है, 2 है, हाँ बढ़ाए हो 10 गुना क्योंकि 3 से 2 किए हो, तो क्या हो जाएगा जेड एन पावर 0 एंड एच प्लस टू दी पावर कितना होगा, होगा और ए रेट ऑफ रिएक्शन और dx by dt को रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, तो b तो नहीं होगा, ये तो सही है ना, आंसर b है। हाफ लाइफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक कांस्टेंट ही है। अच्छा नहीं, अरे जिंक सॉलिड है और सॉलिड बड़ा हो या छोटा कंसेंट्रेशन फिक्स रहता है, अरे हम लोग नहीं पढ़े थे लॉ ऑफ मास एक्शन, तो जिंक सॉलिड है इसका मास, मान लो जिंक का इतना बड़ा टुकड़ा है, मास घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा, अरे समझ, तो मास घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ, हाफ लाइफ पीरियड है, अरे लाइफ पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ कब होता है, कांस्टेंट लिए, और वैसे जिंक का कंसेंट्रेशन भी कांस्टेंट, मतलब फिर से बड़ी गड़बड़ी हो गई सवाल में, अरे जिंक का ऐसे ही कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहने वाला है, और हाफ लाइफ पीरियड, अच्छा हाफ लाइफ पीरियड जिंक के बारे में अगर बात कर रहा है तो जिंक टूट रहा है, तो जिंक अगर लेंगे 10 kg तो हाफ लाइफ उतना है, 5 kg लेंगे तो भी हाफ लाइफ उतना ही है, 2 लेंगे तो भी हाफ लाइफ उतना ही है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, तो जिंक के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, एंड अब समझ गए होंगे। चलिए 7-8 नंबर हो गया है, चलो थोड़ा सा हम पढ़ा देते हैं, कई दिन से रुका हुआ पढ़ाई, तो आज हम पढ़ेंगे, अब प्रैक्टिकल हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका रेट के बारे में मॉनिटर करने कुछ टूल्स अपनाएंगे, तो देखो एक आदमी क्या क्या चीज देख कुछ अनुमान लगा सकता, एक तो लाइट से कुछ कुछ अनुमान लगाता है आंख से देखे, दूसरा साउंड से कुछ कुछ अनुमान लगाएगा है ना, साउंड से, तीसरा टेस्ट से कुछ कुछ लगाएगा, चौथा टच से कुछ कुछ अनुमान लगाएगा, और एक और है स्मेल से कुछ कुछ अनुमान लगाएगा, ये 5 सेंस तो भगवान दिया है हम, पर हम तो कई चीज देख लेते हैं, हम तो अभी टेम्परेचर ऑफ सन भी जानते हैं, नाक पहुंच सकता है ना, छू के देख सकते हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई टूल अपनाए होंगे, वो जो टूल अपनाते हैं जो हमें बहुत सारा अपना ज्ञान इंद्रियों को बढ़ा देता है, साइकोटेक्निकल। हम और क्या जानते हैं, हम तो किसी का हड्डी टूट गया वो भी जान जाते हैं कहाँ टूटा है, एक्सरे लगाते हैं, रात में भी देख सकते हैं चीजों को, नाइट विजन, थर्मल स्कैनर होता है, थर्मल स्कैनर ये ऐसे करके लगाते हैं और बताते बुखार है कि नहीं, पूरा टूल्स और टेक्नोलॉजी हमारे पास जिससे हम
उन सभी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो हमको डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़े। तो मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लो कि कंटेनर में चावल पकाना शुरू किया है ना, चावल पकाना शुरू किया, ये चावल पका है कि नहीं आया, ढक्कन खुला है तब तो एक चावल निकाल के दबा के देख लो, लेडीज करती है दबा के देखती है पक गया है, एक चावल पका है मतलब सब चावल पका है। अगर इसमें ढक्कन भी लगा हुआ है, प्रेशर कुकर है, तब कैसे देखोगे कि पका है कि नहीं पका। टाइम देख लेते हैं, कितनी बार सीटी बजाओ देख लेते हैं, और एकदम परफेक्ट दो सीटी में चावल और तीन सीटी में दाल तभी गड़बड़ नहीं होता है, पता है रोज एकदम परफेक्ट है। मान लो कि आज चावल गीला हो गया, क्या मतलब कुछ दूसरी क्वांटिटी का चावल आया कल से एक, है ना, ऐसे होता है तो अनुमान लग जाता है ना, चलम भी एक्सपर्ट हो गया हमारे दो बनाते हैं तो पता चल जाता है कि पक गया कि नहीं पका। वैसे ही हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तुमको पता कैसे चलेगा। जैसे मान लो कि अमोनिया का डिसोसिएशन हो रहा है, अमोनिया गैस N2 गैस एंड H2 में टूट रहा है, तुम कैसे देखोगे कि अभी अमोनिया हमने लिया था दो और ये 0-0 था, तो टाइम टी पे ये दो में से एक्स हो गया और ये एक्स बना ये एक्स हुआ, तो कैसे देखेगा कि एक्स कितना है, कैसे इसी को बोलते हैं जुगाड़, जिसको सोफिस्टिकेटेड वे में टेक्नोलॉजी बोलते, हर टेक्नोलॉजी एक जड़, समझ रहे हैं? तो कैसे करते हैं इसमें भाई, इस रिएक्शन को करवाते हैं एक बंद कंटेनर, और कंटेनर में लगा देते हैं, इसको बंद कर दे हैं, और बैरोमीटर है अपने पास, बैरोमीटर से कुछ लगा देंगे ऐसे करके, बैर लगा देंगे, मरी भर देंगे, ब्लड प्रेशर है किसी का तो देख कर पहचान जाएगी ब्लड प्रेशर, मुझे तो पंप करता वहां पे मैच कर लेते वाइब्रेशन भी मेजर कर लेता है, ये बैरो कैसे बनता है छोड़ो, जानते हैं कि बैरोमीटर को है, तो बैरोमीटर है बैरो में प्रेशर बनता है ना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर होता है, रिएक्शन होगा तो नंबर ऑल चेंज होगा क्या, टू एक्स टू एक्स टूटा है यहाँ पे क्या बना, ए बाई टू थ्री एक्स बाई, दो टूटा है तो बन रहा है चार, जैसे जैसे रिएक्शन होगा तो नंबर कुल बढ़ेगा। यहाँ पे अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है, रिजिड कंटेनर है, मान लो ये रिएक्शन हो रहा है, अगर ये रिजिड कंटेनर तो वॉल्यूम फिक्स है, और टेम्परेचर हम लोग क्या कर दें फिक्स कर दें, ताकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, तो बैरोमीटर तो बता देगा कि अरे प्रेशर बढ़ा है, क्या रिएक्शन को उल्टा करते हैं, हाइड्रोजन और आयरन को ले रहा वो बनने लगा, बैरोमीटर डायरेक्ट टाइम के साथ प्रेशर बढ़ता है, वो हम समझ गए रिएक्शन का रिएक्शन नहीं रहा है, तो हम क्या करें कि मान लो कि टाइम इज इक्वल टू जीरो पे टाइम, और यहाँ पे टोटल सर हम लिख ला रहे हैं, टी इज इक्वल जीरो पे जो टोटल पे होगा वो प्रेशर ड्यू टू अमोनिया होगा ना, जो टोटल पे होगा प्रेशर ड्यू टू अमोनिया होगा, टाइम इज इक्वल टू टी पे प्रेशर ड्यू टू अमोनिया भी होगा प्लस ड्यू टू
नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन ड्यू। अब जरा देखो मान ले है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो टोटल प्रेशर अगर पी जीरो है एंड टी इक्वल टू टी पे टोटल सर अगर पी टी है तो हम क्या कहेंगे कि पी जीरो इंटू वॉल्यूम वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया कितना था मान लेते हैं कि इसका शुरू में नंबर को दो मोल ना लिख के ए जीरो लिख दें और अभी इसका मोल लिख देंगे ए जीरो प्लस एक्स एक्स बाई टू थ्री एक्स बाई टू हो जाएगा पी जीरो इंटू वी इज इक्वल टू टोटल मोल था ए जीरो इंटू आर इंटू टेम्परेचर था और पी टी लिख दे तभी वॉल्यूम दो और नंबर ऑफ मोल ना हो चुका है वॉल्यूम ए जीरो माइनस एक्स को एक का है प्लस एक्स बाई टू दूसरे है प्लस थ्री एक्स बाई टू दूसरे का है इसमें आर इंटू टी अभी भी है इसको डिवाइड करेगा तो आर टी चला जाएगा वी भी चला जाएगा तो पी जी आई पी टी से क्या ए जीरो बाई ए जीरो प्लस एक्स। अब ए तो लेवल है बैरोमीटर से और ए जीरो तो पता ही था तो इस इक्वेशन को अभी जिंदा रखते हैं। अब इसके लिए रेट लिखते हैं इसके लिए रेट लिखेंगे तो होगा 2.303 लॉग ए जीरो बाई ए जीरो माइनस एक्स यही ना होगा के इंटी। अब जब तुमको ए जीरो प्लस एक्स मालूम है तो इसमें तुम ए जीरो माइनस एक्स भी निकाल सकते हो क्या अरे निकाल सकते हो इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा रेट लॉग और टाइम तो घड़ी से मेजर कर ही लियो। अरे क्या हुआ एक इनविजिबल रिएक्शन को हमने बैरोमीटर लगा के और मॉनिटरिंग चालू कर दिया समझ में आया इस तरीके मॉनिटरिंग चालू करेंगे और अब हम इसका रेट लॉ सब कुछ कर सकते हैं। तो देखना क्या करेंगे अभी पहले क्वेश्चन से देखते हैं P0 by PT का वैल्यू है A0 A0 plus X तो A0 plus X into P0 is equal to A0 into PT तो यह क्या हो गया डिवाइड में P0 करेंगे तो इधर X का लिए हो गया A0 into PT by P0 minus 1 तो यहां से क्या कर दे X का वो पुट कर दे जाए कितना 2.303 log of a0 a0 minus x का वैल्यू लिख दे a0 into pt by p0 minus 1 is equal to p into t और a0 तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 minus P by P naught plus 1 तो हो जाएगा 2y है ना is equal to K T और फाइन लिखेंगे तो 2.03 log of P0 by 20 minus PT is equal to K into क्या निकलेगा इससे जीरो मेजर कर चुके होंगे PT मेजर कर चुके होंगे मेजर कर चुके होंगे रेट कांस्टेंट निकल। अब है पे हेडिंग है मॉनिटरिंग डिफरेंट मेथड उन सब चीजों का इस्तेमाल गैसियस रिएक्शन है तभी प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं गैसियस रिएक्शन नहीं तो प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो जो चीज नंबर ऑफ मोल का या कंसेंट्रेशन का डायरेक्टली पॉसिबल होता है उन सब चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे प्रेशर का इस्तेमाल किया ऐसे ही मान लो कि प्रेशर कॉन्स्टेंट रख देंगे तो बीम चेंज होने लग जाएगा ऐसे ही मान लो कि टाइट्रेशन हो सकते हैं बहुत सारा चीज होता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनिटरिंग हम लोग पढ़ेंगे क्लास में। तो यहाँ पे सारा बात क्या है कि अब हम जो जो भी हम रेट लॉ पढ़े हैं प्रैक्टिकल रिएक्शन के मॉनिटरिंग में कैसे उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं वही चीज हमको पढ़ना है। चलिए तो हम होमवर्क और करते हैं।
चलिए एक्सरसाइज तीन निकालिए। तीन निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन का क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन सिक्सटीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर पार्ट टू में वन टू थ्री फोर फाइव एट सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन। चलिए कितना सवाल हो गया, दो तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह तीन पंद्रह और तीन अठारह और तीन इक्कीस और चार पच्चीस हो गया ना, पच्चीस सवाल कल के लिए हो गया। देखो इस पूरे चैप्टर में यही वाला जो पार्ट है ना इसी से बहुत सवाल पूछा जाता है। देखा ना अभी जेई और जेई एडवांस में आधा सवाल इसी से है। तो ए वाला चीज को करने बाद अगले क्लास में मॉनिटरिंग सब टाइप में पढ़ लेंगे और फिर एक छोटा सा है कौन सा आरएनियस इक्वेशन, तो आरएनियस इक्वेशन वाला पढ़ लेंगे। Thank you.